Assalamu alaikum sir. Kaise hain sir? Thank you very much. Nice of you for inviting us. Welcome. Thank you very much sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जनाब, हम मौजूद हैं इस वक्त एमएस जनाह हॉस्पिटल। जनाह हॉस्पिटल बाबा कौम के नाम पे बहुत बड़ा हॉस्पिटल, और बहुत बड़ा हॉस्पिटल कहाँ है, पाकिस्तान के दिल लाहौर में और प्रोवेंशियल कैपिटल में। हम आपकी आज जो गपशप कराएंगे, हम मशहूर हैं, डॉक्टर साहब ने हमें रिसीव किया और डॉक्टर साहब से आज ये पूछ रहे हैं अब के डॉक्टर आसम साहब जो इस बड़े हॉस्पिटल के बड़े इदारे के बड़े सरबराह हैं, बड़ी टर्बल उनके ऊपर आवाम की तरफ से उन्होंने रखी है, हम उनसे पूछेंगे कि ये क्या हर वक्त हम नाशुक्री का इजहार करते हैं कि जनाब डॉक्टर ये करते हैं, पुलिस ये करती है, प्रभारी ये करते हैं, हम दूसरे के गरीबानों में झांकते हैं, अपने गरीबान में नहीं झांकते। तो आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं प्रोग्राम बाकमाल लोगों में एक बाकमाल शख्सियत के साथ। आपका मेजबान यकूब जावेद कमाना हसबे मामून आपको मिलाने जा रहा है डॉक्टर आसम साहब से, लीजेंडरी पर्सन जो हमें बताएंगे कि क्या ये हॉस्पिटल जो है इलाज घर है या अजाब घर है। डॉक्टर साहब, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। वाली डॉक्टर साहब, कैसे हैं सर आप? डॉक्टर साहब, आपकी तबीयत ठीक है, खैरियत से हैं? डॉक्टर साहब, शॉर्ट सा बता दीजिए कि आपने पहली जमात कहाँ पढ़ी और फिर वहां से जंप करते हुए कॉलेज तक कहीं तक पहुंच गए, शॉर्ट सा बताइए ताकि हम अगले पॉइंट आपसे गपशप कर सके। आपने जो इब्तदाई तालीम कहां से और फिर के से आपने पढ़ते हुए ये जो मराहिल तय किए इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल दी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, थैंक यू, मौका दिया। क्लास 1 से लेके क्लास 9 तक मैंने सरकारी स्कूल में टाट के ऊपर बैठ के तालीम हासिल की। डॉक्टर साहब, सो द मेजोरिटी ऑफ दिस कंट्री इज टाट मीडियम एंड वी आर प्राउड ऑफ दिस के वो टाट मीडियम को अल्लाह ने फिर बड़ी बड़ी पगड़ियां दे दी। जी सर, वो भी एक हमारा जिला बहावल नगर है जी, जी जो पसमांदर है। ओके, क्लास 10th में जब मैं था तो हमारे मेरे वालिद साहब रावलपिंडी ट्रांसफर कर गए। अच्छा, माशाल्लाह। तो वहां पर भी क्योंकि हमारे माली हालात ठीक नहीं थे तो मैंने एक यतीम खाने से अंजुमन फैदर इस्लाम के कायम किया हुए स्कूल से अपनी तालीम। गॉड ब्लेस अंजुमन अंजुमन फैजुल इस्लाम। अंजुमन फैजुल इस्लाम परवरदिगार वहां फैज आम जारी है। जी सर, और ये वहां के असातिज़ा का ये फैज है, उनकी मेहनत है, मेरी कोशिश है, वालदैन की दुआएं हैं कि मैं फिर गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया रावलपिंडी में, और उसके बाद कुछ अपनी कोशिश से, कुछ असातिज़ा की मेहनत से और वालदैन की दुआ और अल्लाह के करम से फिर मैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया। माशाल्लाह, यूनिवर्सिटी में तब्दील। डॉक्टर साहब, बड़ा बड़ा इलाका टाट से उठे और इतने बड़ा जिसका दुनिया में नाम है, जो पौने 200 साल पुराना एक छोटे से घर में शुरू हुआ है, राइट जी, और रिसर्च डिस्पेंसरी थी और वहां से बहुत बड़े प्लांटर्स में बड़े फूल उगे। इलाका कुछ खास कर्म है कि उसने मेरी मेहनत का मुझे फल दिया, माशाल्लाह, और जरूरत से ज्यादा दी, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, हम बाकी अस्पतालों को छोड़ दें, आप यहाँ ऑलमोस्ट एक साल हो गया आपको मोर देन वन, मुझे यहाँ 5 महीने ओके। बाकी हॉस्पिटल्स और जिना एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के आप बड़े सरबराह, पहले ये बता दी ये हॉस्पिटल कितना वॉल्यूम पे है, कितने रूम्स हैं, उसी में आप सारा इसको कॉम्पैक्ट करके बता दीजिए, रूम्स कितने हैं, फ्लो कितना है, पैसेंजर्स का सॉरी इसका पेशेंट्स का फ्लो कितना है एक दिन में बता दीजिए, और उसके बाद आपके पास हुकूमत पाकिस्तान ने, हुकूमत पंजाब ने आपको औजार हथियार मोर्चे पे लड़ने के लिए सब कुछ दिया है या गुलेरों से ही सारा कुछ हुआ है? जी, उसमें जो चंद एक बड़ी अहम बातें हैं वो मैं पहले इसका। जी प्लीज। पहली बात तो ये कि ये 1500 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल है और पंजाब के जो सबसे बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें से एक है, यानी 1500 बेड हॉस्पिटल बिग हॉस्पिटल, और सर How many rooms? जी मैं please. पहली बात तो ये है कि ये अस्पताल हमारी कौम के सबसे बड़े लीडर बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पे है, तो ये भी एक डिग्निटी है मेरे लिए, ग्रेट ऑनर। फिर हमारे साथ जो मेडिकल कॉलेज अटैच है वो भी हमारी कौम के सबसे बड़े लीडर शायर मुशर जैसे अल्लामा इकबाल के ये मुल्क बने, अल्लामा इकबाल मेडिकल, माशाल्लाह। तो ये जो दो बातें मेरे जहन में है
तो मुझे हर वक्त इस अदारे की इज्जत का ख्याल होता है कि जो बड़े नामों से ये मंसूब है। अच्छा, फिर ये मोटरवे जहाँ लाहौर में एंटर होती है उसके बाद सबसे पहले ये बड़ा अस्पताल आता है, तो हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सीडेंट के केसेस आते हैं। अच्छा, यस, पूरे पंजाब से, सेंट्रल पंजाब और साउदर्न पंजाब से लोग रेफर होके आते हैं। ये टर्शरी केयर टीचिंग हॉस्पिटल है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तमाम बड़ी स्पेशलिटीज और तमाम छोटी स्पेशलिटीज के प्रोफेसर हैं, और कुछ ऐसी स्पेशलिटीज हैं जैसे वास्कुलर सर्जरी जिसके प्रोफेसर आपको किसी और जगह नहीं मिलेंगे। ओके, वो भी हमारे पास। डॉक्टर साहब, आप माफी चाहता हूँ, वो आपकी स्पेशलाइजेशन खुद किसके हैं सर? मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन। ओके ओके, वो मैंने UHS से ली थी। माशाल्लाह, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ। ठीक, ओके डॉक्टर साहब, हमारे पास सॉरी बाकी स्पेशलिस्ट को अजीब बड़ी अच्छी बात कही कि आपके पास वो एक डिस्टिंग्विश फैसिलिटी है, और कोई ऐसी चीज जो इस वक्त आप जिसमें इस हॉस्पिटल की ऑनरेबली मोनोपोली हो के उस बाकी कहीं नहीं पाकिस्तान में पंजाब में कोई ऐसी चीज हो जो हमारे यहाँ है? जी, बर्न सेंटर पंजाब का सबसे बड़ा जो है वो हमारे पास। ओके, जिला बर्न सेंटर। और इस वक्त डॉक्टर साहब कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ बर्न और दो तीन जो हमारे वार्ड्स हैं स्पेशल वो जहाँ गरीब गुरबा को रिलीफ होती है वो हम देखेंगे। दैट्स वंडरफुल। और हमारे बर्न के जो प्रोफेसर साहबान हैं, इलाज करने वाले जो टीचर्स हैं, वो भी बेस्ट वन होंगे यकीन। जी, अल्लाह का करम है कि सीनियर मोस्ट फैकल्टी जो प्रोफेसर हैं हमारे पास मौजूद हैं पंजाब के। दैट्स गुड, दैट्स गुड। फिर इसमें मैं कुछ थोड़े से फिगर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। भाई प्लीज, 2000 से 2500 तक रोजाना एमरजेंसी हमारे पास आती है। हमारे पास 5 एमरजेंसी है। ये जरा एलैबोरेट कर मेडिकल एमरजेंसीज द रेफ्यूज होल वर्ल्ड ओवरसीज पाकिस्तानीज अदर नेशंस अदर कम्युनिटीज प्लीज लिसन व्हाट अ वंडरफुल Wonderful information is going to be shared by Honorable MS Jinnah Hospital. जी सर, ये medical emergency, okay, surgical emergency, okay, बच्चों की emergency, PDC, जी pediatrics, pediatrics, okay, labour room and gynae की emergency, अच्छा जी, और cardiology की emergency, ये पांचों हम emergency में देखते हैं। सर यहाँ बताइएगा, जैसे कि मैंने पहले भी गुजारिश की कि पूरी दुनिया में मैं almost जाता हूँ और मुझे शौक है hospital और स्कूल देखने का, हम कहाँ पढ़े, तो ये कहते हुए मुझे बड़ा फख्र महसूस हो रहा है। ये मैंने VCs को कहा, मैंने टॉप लेवल के प्रोम में कहा, बाकमाल प्रोम में ये बात वाजे कर दी कि पूरी दुनिया में आई एम प्राउड ऑफ दिस कंट्री कि एमरजेंसी जो दुनिया में है उससे हमारा निजाम सबसे बेस्ट है। यूरोप का थका हुआ है, वहां एमरजेंसी में लोग रुल जाते हैं और टेस्ट की नौबत भी नहीं आती। जी सर, जी मुझे मजीद ऐड कर दूं कि सर्जिकल एमरजेंसी के अंदर हम ऑर्थोपेडिक्स और न्यूरोसर्जरी उसको भी 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक कवर देते हैं, और एमरजेंसी पांचों की पांचों एमरजेंसीज में 100% अदवियात और 100% टेस्ट इंक्लूडिंग MRI CT स्कैन और तमाम लेबोरेटरी टेस्ट फ्री के अंदर। That's wonderful. Again, listen please. ये बात ऑफ कैमरा नहीं, एक बहुत ही जिम्मेदार मोहतरम डॉक्टर असम साहब जो माहिर हैं एडमिनिस्ट्रेशन के और एक बहुत बड़े अस्पताल को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, वो बबांगे गोल और फख्र के साथ ये बात आपसे शेयर कर रहे हैं। प्लीज पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी के लिए दुआ किया। जी सर, कोई हेड इंजरी हो टोटल फ्री न्यूरो। जी ओके, कोई डिलीवरी का केस है अगर उसका सर्जरियन सेक्शन भी होना है टोटल फ्री, तमाम अदवियात अस्पताल देता है। और मजीद बड़ा ये है कि हमने कुछ फिलान्थ्रोपिस्ट जो हैं उनकी मदद से, अच्छा सर, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, NGOs हैं, जी ओके, चैरिटी वाली हैं, कुछ ट्रस्ट हैं जो हमारे पूरे के पूरे अस्पताल को 1500 पेशेंट्स को तीनों टाइम बेहतरीन क्वालिटी का A1 क्वालिटी का खाना फ्री देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मजीद ये कि तमाम पेशेंट्स के अटेंडेंट्स को वो भी तीनों टाइम खाना फ्री। डॉक्टर साहब, लेट्स प्रे फॉर दैट जेंटलमैन दैट फैमिली जो यहाँ पूरे मुल्क में शोर है, मुझे कहने में कोई आर नहीं है, मुझे कोई खौफ नहीं है, पूरा मुल्क मलिक रियाज साहब ने अपने कब्जे में कर लिया और क्या है कि मलिक रियाज साहब का दस्तरखान। मलिक साहब सुनिए, ये वो छुपे हुए फरिश्ते हैं जो इस एक अस्पताल में 3 टाइम का खाना देते हैं,
और अटेंडेंट को खाना देते हैं और उनका हमें आज पता चला है वो भी ऑफ कैमरा इश्तहार नहीं है। तो इस मुल्क में डॉक्टर साहब बड़े बड़े फरिश्ते जो पता नहीं कितने अस्पतालों को देते होंगे, जो तो अभी तो ये हमारे सर है कि आपके हॉस्पिटल को ओके प्लीज जाइए के ये सत्ता जारी है जाइए के जी मजीद ग्रांड ये कि चूंकि हमारे पास रेफरों के केस आते हैं दूसरे शहर ओके सर पंजाब से केपी के से बलोचिस्तान से जब ऑलमोस्ट ये बात थक जाती जवाब हो जाता है कि साढ़े बस निकाल तो उनके रहने के लिए हमने एक सराय बनाई ली है। अच्छा और उनको भी खाना फ्री दिया जाए। डॉक्टर साहब वो भी किसी तरह हम विजिट करें जरूर वो भी इंशाल्लाह किसी ने प्रोग्राम रखेंगे एक दिन प्रोग्राम पूरा आपके हॉस्पिटल का विजिट कर रखेंगे ठीक है ताकि लोगों को पता चले वो पंजाबी च कहते डॉक्टर साहब सुते पुत्र का मुंह चुमिया ना मां को पता ना पुत्र को पता लोगों को पता होना चाहिए कि सिर्फ बाहर जो बैठे हुए हैं बुचर्स वो गोदा निकालने वालों से ही समझ रहे हैं कि ये पाकिस्तान है नो दिस इज नॉट पाकिस्तान This is the Pakistan जिसके बारे में डॉक्टर आसिम बता रहे हैं। अच्छा फिर इसमें मैं मजीद आपने गुर्दे का जिक्र किया है सर तो हमारे पास जो डायलिसिस सेंटर है जी उसमें 50 लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन है ओके तीन शिफ्टों में डायलिसिस होता है अच्छा, टोटल फ्री तीन शिफ्टों में 24 आवर्स चल रहा है सुबह शाम रात डॉक्टर साहब इसमें थोड़ा सा क्योंकि मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ उसमें इनलिस्टमेंट होती है किस तरह होती है उसमें दो लोग आते हैं उनकी पहले इन्वेस्टिगेशन हो गया ये चेक किया जाता है हेपेटाइटिस है या नहीं है और उनकी फिर हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं डायलिसिस पे आगे शॉर्ट करते हैं आगे उसके बाद जब आप उसको उनकी बारी जिस तरह एंजियोग्राफी की आती है बड़े स्तरों में नहीं आती बारी नहीं आती उनकी आपने यार्डस्टिक मेरिट क्या बनाया हुआ ये मैं आपको बताता हूँ उनकी रजिस्ट्रेशन कर ली जाती है सर और जब उसकी बारी आती है उसको खुद कॉल करके बारी लगा के सर के अप्रोक्सीमेटली इतना रश है इतनी दुनिया है इतने बीमार हैं इसमें मैं एक हफ्ता बता ये मैं इसमें आपकी तवज्जो भी दिलाऊंगा इसकी तरफ और आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि लोगों को ये अवेयरनेस दें कि ये हकीमों के नीम हकीम जिनके पास जाते हैं पुश्ते वगैरह खाते हैं उनसे उनके गुर्दे खराब हो जाते हैं जो भी ऐसे मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हर अस्पताल में सेंटर बनाया जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हर अस्पताल में सेंटर बनाया डायलिसिस के इसके बावजूद 5-6 महीने लग जाते हैं 5-6 महीने जी ओके द ग्रेट व्यूअर्स ये देखिए बहुत बहुत जो बात डॉक्टर साहब शायद कोई और होता और खातून डॉक्टर से हम ना पूछ सकते डॉक्टर आसिम साहब ने बहुत बोल्डली ये बात कही है और बड़े दुख के साथ उन्होंने हमें ये मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किए उन्होंने हमें ये हुक्म किया है और हमें उनका बड़ा एहतराम है कि आए प्लीज फॉर गॉड से ऑल जेंटलमैन फातिम मर्द आप खौफनाक मेडिकेशन की तरफ मत जाए डॉक्टर साहब इज इट राइट और अपने अपने जिस्म का ख्याल रखें आपके किडनी जिससे फेल होते हैं उसका आपको भी पता है लेकिन फेल हो गए डिलीवरी का आखिरी घंटा आ गया आओ अस्पताल चलिए और उसके बाद अस्पताल वाले का बुरा हाल कर दिए अपना ख्याल रखें और खुदा के लिए अस्पताल आते रहें अपने चेकअप कराने के जी सर जब भी कोई आपको तकलीफ हो तो किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जी बिल्कुल या क्वालिफाइड हकीम के पास ओके जाएं उसमें मुझे कोई इतराज नहीं हकीम के पास जाएं अगर होम्योपैथी वाला क्वालिफाइड है तब उसके पास जाएं जी लेकिन ये जो अनक्वालिफाइड लोग हैं ना वो खराबी करते हैं और सेल्फ मेडिकेशन इज मोर मेडिकेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए फकी खाली फना का लिया दवाई का लिया गुर्दे का बात कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स जी जी प्लीज 2000 से 2500 पेशेंट रोजाना इमरजेंसी में ओके सर 5000 से 5500 आउटडोर में आते हैं सर हमारे पास 1500 बेड हैं लेकिन ये एक बात फखर की नहीं बल्कि दुख की है कि मैं बहुत से वार्ड्स में डबलिंग करनी पड़ती है क्योंकि मरीजों का इनफ्लो बहुत ज्यादा है मिनिमम डबलिंग मिनिमम हो गई मरीजों का इनफ्लो बहुत ज्यादा है क्या एक छोटी सी मैं बात करूंगा डबलिंग जो है वो आपको किस वार्ड में करनी पड़ती है बच्चों के में बड़ों में बच्चे वार्ड में ओके गायनी वार्ड में खुवातीन जी और इमरजेंसी अच्छा सर ये बता दीजिए ये आपकी तो मजबूरी हो गई ये हेल्थ हैजर्ड एंड इंजूरियस टू हेल्थ नहीं है बिल्कुल एक मरीज कोई है उसको कुछ है उसको कुछ है उसकी बीमारी और है और आपने एक बिस्तर पे डाल दिया ये आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं ये नहीं होना चाहिए लेकिन अब क्या किया जाए कि इमरजेंसी में एक सीरियस मरीज आ रहा है रेमेडी इलेक्शन कोई चीज उसको टेम्परेरीली फिर डाल देते हैं जो ही पर बेड खाली होता है शिफ्ट का अगर मैं आपको एक तजवीज दूं जी हो सकता है ये बेहतर हो जाए इसको भी आप जिस तरह चैटी खाने के लोग देते हैं
तो इसको अगर आप बंकर्स टाइप कर लें, बंकर समझ गए सर, पूरी दुनिया में जहां यूरोप हो गया, जापान हो गया, जापान में तो बहुत पहले मैंने सुना था कि मल्टी स्टोरी 3-4 मंजिला बेड पाई जाए, ये आइंदा डोनेशन में इसको शामिल करें सर, एक बेड पे डालने की बजाय आप 3 वाला वो रिक्वेस्ट, उसकी मैनेजमेंट उसको सर सुन ले, ये आपको कल आप याद करें, यही वक्त है। देखिए आपकी बात एवरीथिंग अगर इसको मान भी लिया जाए ना, उसके हिसाब से रिसोर्सेज बनाने पड़ेंगे, फिर डॉक्टर भी इंक्रीज करने पड़ेंगे, नहीं सर नर्सेज भी, पैरामेडिकल स्टाफ भी, इस पर हम बहस नहीं करते। बात यह है कि वही मरीज दो खड़े हुए, वही मरीज दो है जो आपने एक बेड पे डाला है, जब आप उसको 3 स्टेप्स में कर देंगे ऊपर नीचे और स्टेप अप करके वो इंजेक्शन भी लगाएंगी, वो आपका वो एडजस्टेबल है जिससे आप लगाते हैं ड्रिप्स वगैरह लगाते हैं, इस पर जरा गौर कीजिए। ये सर नहीं, वही हमला सिर्फ 3 स्टेज के बेड बनेंगे, अच्छा लगेगा, साफ सुथरा, एक इधर घुसा हुआ है, एक उधर घुसा हुआ है, इंजेक्शन सेपरेट हो जाएगा, याद करेंगे आप, ठीक है। तो मेडिसिन पे आते, मेडिसिन शॉर्ट बताइए आपके हाथ से, कई हॉस्पिटल गुजरे एडमिनिस्ट्रेशन में है, मेडिसिन में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मेडिसिन की क्वालिटी खराब हो गई है, उस पर चेक्स खत्म हो गए हैं, फैक्ट्रियां जो फार्मेसी की फैक्ट्रियां हैं वहां कोई प्रॉब्लम आ गया है, ये एक तो चले, खुराक भी खराब हो गई, डिप्रेशन भी हो गया, सारा कुछ हो गया। आप मुझे बताएं वो पहले 10 नंबर दवाई जो मैंने और आपने भी क्लोज वाली डिस्पेंसरी से उसमें क्या डाला था, वही सब कुछ थी, शफा था, सारा कुछ ठीक था, एक लाल दवाई थी, ठीक है, आंखों में डालने वाला मुझे आज तक याद है वो पीली पीला दवाई दारू होता था, उसी तरह फिर उसका सर वो इफेक्ट क्यों नहीं कर रही, टेक्नोलॉजी नहीं आ रही। बात यह है कि दवाइयों में खराबी नहीं आ गई, तो जरासीम है वो जरा खतरनाक सर, तो जरासीम में अगर जरासीम ने अपनी लेबोरेटरियों में अपने आप को ताकतवर कर लिया, जरासीम को और बीमारियां भी बढ़ गई हैं, भैया ये कहना चाहिए कि पहले डायग्नोज ही नहीं होती थी, ऐसे कहते थे बाबा जी अल्लाह को क्या लगा, फिर आपको सोए थे ये नहीं पता कि रात को हार्ट अटैक हो गया, ठीक हो गया, तो अवेयरनेस आ गई है, अब लोग छोटी सी तकलीफ पे भी अस्पताल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर साहब ये भी बताइए, नहीं बिल्कुल नहीं होता, जब मेडिसिन आती है तो उस मेडिसिन की क्वालिटी को चेक करने के लिए जो लैब्स हैं, ड्रग टेस्टिंग डिपार्टमेंट भेजा जाता है, उसके बाद में भेजते हैं सर, सैंपल्स बाद में भेजते हैं, जब वो क्वालीफाई कर जाता है, जब क्वालीफाई करके जब वो सप्लाई करते हैं, ओके, नहीं जब सर क्वालीफाई वो कर गया जी, तो जो ड्रग टेस्ट लैब है उसमें आप उसके सैंपल बाद में भेजते हैं, जब वो करवा के सर्टिफाई करवा जाता है जी, वो दवाई खाने के बाद उसमें से रैंडम सैंपलिंग की जाती है, ठीक हो गया, और ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी से उसकी चेक करवा के, ठीक हो, अगर वो स्टैंडर्ड की है तो पेशेंट को दी जाती है, अगर स्टैंडर्ड की नहीं है तो उसको रिप्लेसमेंट ली जाती है, और अगर वो उसकी रिप्लेसमेंट खराब नहीं करती तो कंपनी को ब्लैक लिस्ट। ऊपर आप जैसे अच्छे लोग आते रहे, डॉक्टर मेहनत करते रहे, एक चीज डॉक्टर साहब मुझे क्लियर कर दें कि आपके एक्सपीरियंस में आपको कंप्लेंट्स में कोई ऐसी किसी बाय से कंप्लेंट आई हो, जैसे मैंने आपको पहले शेयर किया कि जनाब हम आए थे यहाँ एंजियोग्राफी के लिए, हमें किसी ने कहा कि शाम में उसके लिए क्यों आ रहे, आपको भी इस तरह की कोई कंप्लेंट आती है? मैं क्योंकि सब लोग तो फरिश्ते नहीं है, और वो जो कहते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, सारे जिब्रील अलैहि सलाम भी है, इजराइल भी उसी में है, ठीक है, तो इजराइल ये बड़ा पाक रिश्ता है, लेकिन शैतान इबलीस भी है, दिक्कत तो क्या कंप्लेंट्स आती हैं, लेकिन सख्ती से सुना करती है, उनके बाद सख्ती से सुना करते हैं, आप उनको रेप्रिमांड करते हैं, जी बिल्कुल सख्ती से सुना, दैट्स यस रिक्रूटमेंट एक बहुत बड़ा, जो जिस तरह दवाई देना खरीदना इस तरह सबसे अहम है, पौधा लगाना बिल्कुल सही, बच्चा नौकर रखना, बच्चियां नौकर रखना, उसमें बताइए कि छोटा सा एसओपी बता दीजिए कि आपको उसमें आप क्या करते हैं और आपके पास आप कौन कौन सी एम्प्लॉयमेंट करते हैं, भर्ती करते हैं, उसका शॉर्ट सा बता दें कि किस स्केल तक क्या डॉक्टर्स नर्सें वो बताएं, फिर उसके बाद में आपसे गुजारिश करूँ। जी डॉक्टर्स और नर्सेज जो हैं वो तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू भर्ती होते हैं, 17 से ऊपर 16 1-15 हम खुद करते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड बनाया हुआ है, okay. जिसमें 2 मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हेड डिपार्टमेंट के हैं,
और एमएस जो है उसका सरबरा होते हैं। सर वो जो जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के दो बंदे आके बोर्ड में बैठते हैं जी, उनकी उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या होती है, या वो सिर्फ आके बैठते हैं मेंबर है बोर्ड? डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं। डिप्टी सेक्रेटरी ओके ब्यूरोक्रेट होते हैं सर जी। ओके अच्छा है। ये बहुत बड़ा ये स्लैप है हमारे हमारे ये सारे सिस्टम के ऊपर कि एक ऑपरेशन थिएटर में बंदा दो महीने जारी जा रहा, फिर पता चलता है छोड़िए। अब बताइए सिंध में डॉक्टर डॉक्टर इंटरव्यू के साथ रखे जा रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन ही चेक की जा रही है। अभी अखबारों में आ गए कि नो एंट्री टेस्ट, नो पब्लिक सर्विस कमीशन, डायरेक्ट इंटरव्यू किया और ये चलो शुरू करो काम। ये पैसे की जान नहीं है, ये शॉर्ट गलत है ना, रूल्स बने हैं, रूल्स इंप्लीमेंट होना चाहिए। ओके सो अच्छा इसी पे आपको जब आपने सारी फाइनल सिलेक्शन कर ली सर जी, उसमें आपने कोई कोटा ऐसा रखा हुआ है कि जिसमें आपकी खातून बेवा है, आपके वहां मुलाजम है, आपके यहाँ डॉक्टर साहब का बच्चा, नर्सिंग स्टाफ का बच्चा, कोई इस तरह का रखा हुआ है कि उनको भी आपको 5% कोटा? तो इसके बाद हम डॉक्टर साहब से स्टंट के बारे में पूछेंगे जिसका आजकल बहुत शोर है, महंगा है, बुरा हाल है, लिहाजा हम इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से स्टंट के बारे में पूछेंगे। दिल को घोल देता है। डॉक्टर साहब इसका कोई शॉर्ट सा हल बता दें, एक गरीब आदमी को, आपके यहाँ पढ़ता है जी? बिल्कुल पढ़ता है। और वो कहाँ से आता है, और उसका अगर डिसाइड हो गया कि इसको एक पढ़ना है, दो पढ़ना है, उसमें शॉर्ट शॉर्ट वन विंडो ऑपरेशन है या बड़े धक्के हैं बेचारे के लिए? जी ये आपने जो बात की है बड़ी अहम है। थैंक यू वेरी मच सर। लास्ट ईयर यहाँ पे हमने जब एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी को अपग्रेड करके लेबोरेटरी भी नहीं बनाई सारी, मशीनें भी नहीं आई, ओके, तो हमने पहले इसको टोटल फ्री कर दिया। अच्छा, तो फिर उस पर इतना रश लग गया, PIC वाले पेशेंट भी आ गए, दूसरे अस्पतालों से भी आ गए, तो अब हम ये कर रहे हैं। कॉस्ट वैसे अगर आपने फ्री किया गवर्नमेंट, देखे ना टोटल फ्री, गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया, टोटल फ्री गवर्नमेंट ने फ्री किया। अगर न्यू वाले थे तो वहां भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पिक्स था तो वहां भी गवर्नमेंट है, तो उन्होंने फ्री नहीं किया हुआ था वो, दे यूज्ड टू चार्ज। मैं बता रहा हूँ कि हर जगह पे कुछ परसेंटेज है। ठीक है, वो जरा बता दीजिए प्लीज। अब हमारे 50% तो टोटल फ्री है, उनका एक रुपया भी नहीं लगेगा। हाउ मच इज कॉस्ट? अगर एक स्टंट डलता है तो रफली उसका 80,000 का स्टंट है, बट वेरी एक्सपेंसिव, 10,000 से 20,000 बाकी चीजों का खर्चा आता है, जो सारे इंस्ट्रूमेंट है जो लगना लगाना है, और दो भी डलते हैं 80,000। हाँ जी। अच्छा, जो अच्छे वाला स्टंट है, ओके, जो मेडिकेटेड है, ओके, तो अब हम 50% पेशेंट्स को टोटल फ्री करते हैं असेस करके कि जो वाकई गरीब है। तो फिर सर वो फर्क क्या हुआ, वो जो नेशनल हॉस्पिटल या जो चार्ज कर रहे हैं वो ज्यादा 1.5 लाख 2 लाख? जी मैं बताता हूँ। ओके, और 50% जो है वो अपना स्टंट लेके आते हैं, बाकी चीजें सारी अस्पताल देते हैं। ओके अच्छा, जो आप प्राइवेट की बात करते हैं वो तो 3 से 4 लाख रुपया तक, 5 लाख तक भी लेते हैं ना, तो यहाँ 80,000 में आपको स्टंट डाल जाएगा। इसी पे बात डॉक्टर साहब एक और, और ये स्टंट उसी क्वालिटी का है जो वो प्राइवेट वाले डालते हैं। ओके, अमेरिकन स्टंट, दैट्स गुड जी। डॉक्टर आसम साहब ये हमें बता दीजिए कि इसी तरह का एक एक्सपीरियंस हुआ कि एक पेशेंट, मेरे जाती घर का पेशेंट, वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डिसल्वा आई हॉस्पिटल जो है, आई हॉस्पिटल जी, उस शख्स को मैं मिल चुका हूँ जो श्रीलंकन था, प्रेसिडेंट था कॉर्निया, दुनिया में सबसे बड़ा डोनर जो है, अब शायद बढ़ गया, श्रीलंका था जी, इज इट राइट सर? जी सर, मैं उस वक्त से उनको जानता हूँ जब वो कूलर में बर्फ डाल के कॉर्निया लेके आते थे। ठीक है, जब आपने केई में दाखला लिया तो मैं एक बहुत बड़ी 5-स्टार एयरलाइन का लेफ्टिनेंट हुआ। ठीक है, तो वो मेरे सामने कूलर में आते थे और लड़के आगे कहते थे जी हॉस्पिटल में लेके जाने में अभी लगना है ये। ओके, इत्तेफाक से जब मैं इंटरव्यू करने गया VC केई का, प्रोफेसर असद साहब का, तो वो टीम श्रीलंकन भी आई हुई थी, वो सारी टीम थी, तो फिर पता चला कि कॉर्निया जो है वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड थर्मोपोल और ये वो बन संवर के आता है। मैंने वो जो मरीज था उसने 2 टाइम एपिसोड में दोनों दफ़ा कॉर्निया रिजेक्ट हुआ, ह्यूमन एरर नहीं, नलायकी की वजह से, प्राइवेट 5-6 लाख रुपये लिए। Is it right, sir? अब आपको ये एक्सपीरियंस ही घर की बात बता रहा हूँ। वही कॉर्निया जब मैंने यहाँ न्यू हॉस्पिटल में, जो अच्छी चीज़ है उसको बताना चाहिए लोगों को, मैंने उनका इंटरव्यू किया, मैंने वो उनका आई यूनिट वार्ड विजिट किया है, वो डॉक्टर्स आर फ्रेंड ऑफ अस, वहाँ सर एक टका नहीं लगा, कॉर्निया अमेरिकन कॉर्निया डाला गया, इज्जत से मिले, और उनका आई यूनिट इज अ वंडरफुल
वो होपफुली आपका भी अच्छा होगा, तो वहाँ एक पैसा नहीं लगा और कॉर्निया बिल्कुल स्टेबल है। लेंस डालते वक्त वो पता नहीं उसकी बंदे की बदनसीबी थी कि वो कामयाब अभी नहीं हुआ, सेकंड एपिसोड में जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पोटेंशियल है, हमारे यहाँ पोटेंशियल है। तो आप ये बताइए कि आपके यहाँ भी लेजर सिस्टम है, आई का क्या सिस्टम है, जरा आईज के ऊपर भी बता दीजिए कि इट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। हमारा जो आई का डिपार्टमेंट है वो भी वेरी वेल इक्विप्ड है। अभी रिसेंटली हमारे जो डोनर्स फ्रेंड्स ऑफ अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज एक्स ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, उन्होंने एक सीटी स्कैन फॉर द आई जिसको ओसीटी कहते हैं 80 लाख रुपए की मशीन हमें डोनेशन में। अच्छा, माशाल्लाह। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो फुली इक्विप्ड है, लेंस भी फ्री दिया जाता है और ऑपरेशन भी फ्री किया जाता है। दैट्स गुड जी। और फिर आ गया सर आर्थोपेडिक एक्सीडेंट, कुछ ज़्यादा रोड एक्सीडेंट ये हो गया वो हो गया, उसमें जो प्लेट्स डलती हैं कोई और नेल डलती है उसमें भी ज़रा शॉर्ट सा बता दीजिए क्या हाल है, बेहतर है सर्जरी, बेहतर है, हमारे सर्जन हमारे यहाँ बहुत अच्छे होंगे, और उसमें जो एक गरीब आदमी है उसका क्या हाल होता है सर? जी, हमारे पास दो यूनिट्स हैं यहाँ पे आर्थोपेडिक्स के, ऑर्थोपेडिक्स के, ओके, और दोनों के प्रोफेसर जो हैं बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं, माशाल्लाह, वेल इक्विप्ड हैं। उनके थिएटर भी अभी हमने स्टेट ऑफ द आर्ट नए थिएटर अभी मॉडुलर थिएटर्स बनवाए हैं, ओके, और दो महीने पहले ही वो कंप्लीट हुए हैं। उसमें ये जो आपने बात की है प्लेट्स की, नेल्स वगैरह की, उसमें हम लिमिटेड केसेस में फ्री देते हैं। अच्छा, लिमिटेड केसेस, अच्छा, 100% नहीं दे सकते। सर लिमिटेड को भी कैटेगराइज कर दीजिए कि कोई सिफारिश आ गई, नहीं, मैंने कह दिया, पुअर पेशेंट ने कह दिया, पुअर पेशेंट, पुअर तो सर आप तक नहीं पहुंच सकता, पुअर के लिए भी कोई यार्ड स्टिक बता दीजिए ना कि किस तरह, आप कह रहे हैं ना कि लिमिटेड, तो उसमें कोई असेस करता बंदा, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, ओके, पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, ठीक हो गया, उनसे हम लेके देते हैं। अच्छा, और हॉस्पिटल भी देता है लेकिन 100% को नहीं हम देते। और वो क्वालिटी वाले होते हैं सर, सेम स्टैंडर्ड के, ओके, सेम स्टैंडर्ड। व्हाट अबाउट डेंटिस्ट्री सर, दांत, डेंटिस्ट्री का शोबा हमारा बहुत मुख्तसर सा है। अच्छा, वो लिमिटेड है, उसमें हमारे पास मशीनें भी सिर्फ दो हैं। अच्छा, जो चेयर होती है डेंटल चेयर, और स्टाफ भी कम है। स्टाफ का मतलब है डॉक्टर नहीं है ही नहीं डॉक्टर हमारे पास 4 डॉक्टर हैं, ओके, इनमें से 2-3 कंसल्टेंट हैं, एक मेडिकल ऑफिसर, लेकिन फ्लो बहुत ज्यादा फ्लो है या नॉर्मल? हमारे आपको पता ही है आबादी का जितना क्या कहना चाहिए कि बस्ट है, तो वो तो हम पूरी कर ही नहीं सकते जितनी के वो डिमांड है। अच्छा सर, आप मुझे ये बता दीजिए कि बेड्स कितने, वो हम कहते हैं एनएस बेड्स द हॉस्पिटल है, इसमें अगर वो टर्मिनोलॉजी बेड्स वाली यूज की जाए तो प्राइवेट रूम्स उमरा के लिए, क्योंकि शर्जील मेमन साहब तो माशाल्लाह 35,000 पर डे वाले रूम में एक कैदी की हैसियत से ठहरे हुए थे, और इसमें सर ये बताइए कि वो एल्बर्ट विक्टर हॉल जो न्यू हॉस्पिटल का है उस तरह आपने भी बनाया हुआ है? जी, ये टोटल 1500 बेड का हॉस्पिटल है, ठीक हो गया, जिसमें तकरीबन 50 के करीब प्राइवेट रूम्स हैं। उसमें उसका एक रफ सा आइडिया किराया 1000 पर डे, दैट्स जस्ट नथिंग, हाँ जी, कुछ भी नहीं, हाँ जी, एंड गुड रूम जी, अच्छे बेहतर है, उनमें से अक्सर में एसी भी लगा हुआ है। फ्लोर पे है कोई हम देख सकें, कोई निचले फ्लोर नहीं, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फ्लोर, ओके जी सर जी। अच्छा, और उसमें ज्यादातर पेशेंट्स तो होते हैं जो एंटाइटल्ड होते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, ओके, उनके लिए फ्री है, लेकिन बाकी भी ले सकते हैं ना, बाकी भी ले सकते हैं, उनका तो डिपार्टमेंट जाने उधर जाने आपको अथॉरिटी आ जाती है, ले सकते हैं 1000 रुपया जी, और उसमें दैट इज एयर कंडीशन और कूलर, मेजॉरिटी ऑफ देम आर एयर कंडीशन। अच्छा, दैट्स गुड जी, ओके। अच्छा, और सर यहाँ जो गरीब गुरबा आते हैं उनको खुराक का कोई सिलसिला रखा हुआ है? दे, मैं आपको गरीब गुरबा की आपने बात की है, मैं उसमें अर्ज करूँ कि इमरजेंसी में 100% मेडिसिन फ्री है, चाहे कितनी भी महंगी। अच्छा, इमरजेंसी में 100% टेस्ट भी फ्री है, ठीक हो गया, मेडिसिन भी फ्री है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक। आउटडोर में हम तकरीबन 50% मेडिसिन दे देते हैं, 50% पेशेंट को लिख के देते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। इसी तरह वार्ड्स के अंदर है, इंडोर के अंदर। और ये जो आपने खाने की बात की है उसमें ये है कि हमारे पास डोनर एजेंसीज हैं, माशाल्लाह। एक है वो जो हमारे पूरे के पूरे पेशेंट्स को फ्री खाना देती है, 1500 पेशेंट्स को डेली डेली तीनों टाइम का, एंड बेस्ट क्वालिटी का, आप जो किसी अच्छे से अच्छे होटल में, माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह। जो कंपनी इस हॉस्पिटल के गरीब गुरबा को खाना दे रही है, वी प्रे परवरदिगार उनके रिज़्क में और बरकत दे डॉक्टर साहब। अच्छा, एक दूसरी कंपनी है सर जो ये डोनर, सही, वो पेशेंट्स के अटेंडेंट्स को देते हैं, वो भी डेली 1500। अच्छा, माशाल्लाह, 1500 अटेंडेंट्स को डेली तीन टाइम का खाना, पीछे जो पकड़ा होता है यहां आपके बैक पे, अगर आप उसको देखना चाहें, हां दिख रहा है सर, बेहतरीन किचन है,
अच्छा वेरी नाइस, सारे एसओपीज फॉलो किए जाते हैं। आप वहां से खाते हैं सर? नहीं मैं वहां से खाता हूं क्योंकि वो डोनेशन करता हूं। नहीं आप टेस्ट तो कर सकते हैं, कर सकते आप जाते हैं देखिए कर सकते हैं, वो बात नहीं करते हमारे एएमएस डीएमएस करते हैं। मैं इस नजरिए से कहा सर कि आप सिर्फ ये तो देखें कि इतनी बड़ी कंपनी ये इतना बड़ा काम कर रही है तो क्या ये वर्थ टेकिंग फूड है। मैं इस नजर से कहा, आखिरी बात सिर्फ बता दी, ये जो बेरहमी आ गई है, बदतमीजी आ गई है, मिसबिहेव आ गया है और बड़ों के आदाब में अदब आदाब लिहाज ख़त्म हो गया है, उसमें ये जो यंग बच्चे हमारे डॉक्टर आ रहे हैं और उसमें जो नर्सिस ये स्टाफ हमारा है, इनको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं कि ये हमारी पुरानी रस्म व रवाज मॉरल वैल्यूज़ लौट आएँ। ये आपने हमारी जो बड़ी दुखती राग है उसको छेड़ दी है। अल्लाह देखिए सर आप तो मैंने और आपने अब यही करना है, चलें लेट्स होप। ये बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि हमारे जो खलाकियात है ना जी जी वो ऑन द ओवरऑल जो है पूरे कंट्री में जी जी और हर लेवल पे वो बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट हो चुकी हैं, तो हमारे बच्चे भी उसी का हिस्सा हैं, वो भी बड़ों को देख के वो भी ख़राब हो गए हैं। इज इट द रीज़न, मेन द रीज़न इज डिप्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, फूड स्टफ बिल्कुल जहर खा रहे हैं हम, दूध जहर ले रहे हैं, इसकी कोई मेन एक छोटी सी एज ए वेरी सीजन डॉक्टर 35 साल तजर्बा बताइए इसको हम किस तरह रोक सकते हैं कि ये हमारा ये थंडर स्टॉर्म में ना बदल जाए, डिजास्टर में ना बदल जाए। ये इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं, हालांकि हम मुसलमान हैं और अगर हम अपने मुसलमानों की खलाकियात को ले लें तो देट आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जो अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं उससे बेहतर तो बन ही नहीं सकती ना। डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा रहा, इंशाल्लाह एक सेकंड एपिसोड भी करेंगे आपके साथ, काफ़ी तशनगी रह गई लेकिन काफ़ी चीज़ें हमने आपसे सीख ली, लर्न कर लिया, हम लोगों को बताएंगे, अवेयरनेस देंगे, खुदा करे हमारे ये बच्चे जो यंग डॉक्टर हैं, हमारी ये नई जो बच्चियाँ नर्सिस हैं ये अदबो एहतराम करें, हमारे मरीजों का आप ख्याल रखें, हुकूमत ख्याल रखे और हम भी इन हुकूमतों को समझाएँ कि गरीब गुरबा के लिए वेलफेयर स्टेट्स हैं। हम मिसालें देते हैं ग्रेट व्यूअर्स, हम मिसाल किसकी देते हैं? उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु की, हम हज़रत अली करम और अमल ज़ीरो, हम दुआगो हैं, डॉक्टर साहब के मशकूर हैं, एम एस साहब के मशकूर हैं, तमाम टीम के मशकूर, आई एम रियली थैंकफुल टू एम एस साहब जिन्होंने वक्त निकाला और ये जो हमने प्रोग्राम किया है ये पूरी दुनिया में जाएगा, लोग देखेंगे कि हम सिर्फ पकड़ो मारो बुरा ये हो गया वो हो गया दवाई से बंदा मर गया ये हो गया, एक बेड के ऊपर 25 बच्चे पड़े हुए हैं, आइए हम सब मिलके लेट्स स्ट्रगल फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ बिलव पाकिस्तान। अपना बहुत सारा ख्याल तो आप रखते हैं, मैं ये नहीं कहता, इस मुल्क का ख्याल रखिए, आइए हम सिर्फ अदबो लिहाज और मॉरल वैल्यूज जो है उसको रिस्टोर करें, ये मुल्क तरक्की करेगा, फिर ये मुल्क बनेगा उमर बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हु के फॉलोअर्स का, हजरत अली करमुल्लाह वजह के फॉलोअर्स का और सरदारुल अंबिया की ये स्टेट तब बनेगी। बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान यकूब जावेद कमयाना को DNN के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।